नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटी यानी देसी गबरू टेक में। मैं हूं हिंद और इस वीडियो में हम बात करने वाले भैया कुछ बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन्स की, यानी कि जिसमें हमें देखने को मिलती है 6GB रैम। अब बात करें कीमत की तो भैया 16,000 रुपए के लमसम या उससे कम। तो लेट्स गो। तो दोस्तों, हर यूज़र की अपनी अलग अलग ज़रूरत होती है। किसी को फ़ोन का हार्डवेयर बेहतर चाहिए होता है, तो किसी को फ़ोन में ज़्यादा रैम चाहिए होती है, तो किसी को भैया अच्छा कैमरा चाहिए होता है। लेकिन अगर आप गेम लवर्स हैं और भैया आपको गेमिंग बहुत पसंद है और आप चाहते हैं कि भैया गेमिंग के हिसाब से कोई स्मार्टफोन खरीदना, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही कम बजट में अच्छे ऑप्शंस, जिनमें आपको देखने को मिलती है 6GB रैम और कीमत तो बता ही दिया मैंने कि भैया 16,000 रुपये के अंदर रहने वाली है। तो इस लिस्ट का जो सबसे पहला फ़ोन है भैया, वो है शाओमी Redmi Note 6 Pro। अब इसके दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले की कीमत है 13,999 रुपए। वहीं बात करें 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की, तो भैया उसकी कीमत है 15,999 रुपए। इसमें अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो भैया 6.26 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो भैया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का, वहीं भैया सेकेंडरी कैमरा 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका जो फ्रंट ईयर की सेल्फी कैमरा है भैया, वो भी डुअल सेंसर के साथ में आता है। प्राइमरी कैमरा 20 मेगापिक्सल का और सेकेंडरी सेंसर भैया इसमें हमें 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। इसके अलावा ये फोन MIUI 10 पर आधारित एंड्रॉयड 8.1 ओरियो पर काम करता है। इसमें बात करें बैटरी की तो भैया 4000mAh की बैटरी दी गई है। अब इसके अलावा इस लिस्ट का जो अगला फोन है भैया, वो है Asus Zenfone Max Pro M1। इसमें भैया 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज वाले की कीमत है 9,999 रुपए। वहीं 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले की कीमत है 10,999 रुपए। अब बात करें 6GB वाले वेरिएंट की कीमत, तो भैया वो है 12,999 रुपए। इसके अलावा भैया इसमें 5.99 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 18:9 है। इसके अलावा अगर बात करें भैया प्रोसेसर की, तो इसमें स्नैपड्रैगन 636 का हमें प्रोसेसर देखने को मिलता है। फोटोग्राफी के लिए 16 मेगापिक्सल का और 5 मेगापिक्सल का रियर डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। इसके अलावा फ्रंट यानी कि सेल्फी कैमरा की बात करें तो भैया 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। बैटरी इसमें 5000mAh की देखने को मिलती है। अब जो अगला फ़ोन है भैया, वो है MI का A2। इसमें भैया 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत है 13,999 रुपए। वहीं 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत है 15,999 रुपए। अब बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस यानी डिस्प्ले की बात करें तो भैया 5.99 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 20 मेगापिक्सल का और दूसरा सेंसर 12 मेगापिक्सल के साथ में आता है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो भैया इसमें 20 मेगापिक्सल का सोनी IMX376 का सेंसर मौजूद है। इसके अलावा MIA2 में क्विक चार्ज 4+ टेक्निक दी गई है। इसके अलावा भैया फोन को पावर देने के लिए 3010mAh की बैटरी अवेलेबल है। फोन में ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसके अलावा भैया ये फोन स्टॉक एंड्रॉइड 9 पाई पर काम करता है। अब इस लिस्ट का जो अगला फोन है भैया, वो है Realme 2 Pro। अब इसका जो 4GB रैम वाला वेरिएंट है, उसकी कीमत है 12,990 रुपए। इसके अलावा 6GB रैम वाले वेरिएंट की कीमत है 14,999 रुपए। भैया Realme 2 Pro में सुपर व्यू 6.3 इंच का ड्यू ड्रॉप स्क्रीन दिया गया है। इसके अलावा इसका स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो है 19:5:9। फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी दिया गया है। स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर और भैया 3 रैम वेरिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं। Realme 2 Pro में 16 मेगापिक्सल का AI डुअल कैमरा दिया गया है, जिसमें प्राइमरी रियर कैमरा 16 मेगापिक्सल के सोनी IMX398 सेंसर के साथ में आता है। भैया इसका अपर्चर f/1.7 देखने को मिलता है, जबकि सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है। फोन में सेल्फी कैमरा की बात करें तो भैया 16 मेगापिक्सल का हमें फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। तो भैया ये थे 4 बेस्ट फोन 16,000 रुपए के बजट में। रैम भी कमाल की थी, बैटरी भी झकास थी। तो भैया अब आप अपनी पसंद के हिसाब से इन चारों फोन में से कोई भी फोन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में यही थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ में साझा की। अगर आपका कोई सवाल है, सजेशन है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वेरी मच।